अमेरिकी पीएम ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताया। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वज़ीर-ए-आज़म थोड़े बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना? मेलोनी ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त मेलोडी। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने हैशटैग मेलोडी का भी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को एक मुस्लिम देश में हो रही वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में किनारे लगा दिया गया। लॉस एंड डैमेज फंड के वाले से हमें पैसे दे दें, एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फौरन मिलके शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएं, चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो, इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं, वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कह पाए तुम भी मिल जाओ किसी, मुझे हो सकता है तुम वे कुछ पैसे दे दे शायद। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कल COP28 की मीटिंग में कोई बात ही नहीं कर रहा था क्योंकि ये पैसे मांग लेते हैं, कोई मिलता है इनसे तुरंत कटोरा फैला देते, पहले भीग दो तब बात होगी, तो दोस्तों इसलिए काकड़ से तो कोई नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जी की काफी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। एक तो जब COP28 की मीटिंग हुई और मोदी और मेलोनी एक साथ खड़े हुए थे तो वहां पे वो बात करके हंसने लग गए। इसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक मोदी जी के साथ सेल्फी लेके भी पोस्ट किया है, जिसमें काफी मतलब अच्छे हंसते हुए अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। और हैशटैग भी उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग लगाया, #मेलोडी, मोदी प्लस मेलोनी मेलोडी। तो आप लोग देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अंदाज है, वो जिससे मिलते हैं उसको अपना फ्रेंड बना लेते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, और इसके बाद मतलब कोई भी, यार कितने एग्जांपल दूं मैं, कम पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम जहां भी जाते हैं कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता, ऐसा लगता है कि वो किसी अलग ही नशे में है, मतलब क्या कहीं झूम रहे हैं, दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, सपने में है। आप लोग देखोगे COP28 की मीटिंग में भी जो ग्रुप फोटो हुआ उसमें भी वो एकदम लास्ट में खड़े हुए, ऐसा लग रहा है उनका दिमाग कहीं और है, कहीं और कर कुछ और रहे हैं। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे तो पता चला यहाँ पे COP28, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही लग रहे थे, उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर दिस कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब है कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है शायद, की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट साइड फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे, आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने, आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया, दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे, दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे, मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनको जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने CPAC आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी शादियां विक रही सन कुड़ियां तुहाड़ियां, 3,000 कुड़ी बेच रही थी चाइना, आज जो भी बंद ने तुहाड़े वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है। दुबई में एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर के लोग आए और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त, पाकिस्तान का ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ घूमता फिरता रहता है, हिस्ट्री में किसी ने इतने ट्रिप नहीं किए फॉरेन ट्रिप जितने इसने किए, इसने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, अमेरिका से लेकर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इमारात, तो ये तीसरी बार गया है, कुवैत, सऊदी अरब, मतलब घूम फिर रहा है बस, हालांकि इसका ये काम है ही नहीं। खैर, इसने पकड़ना शुरू किया, अपनी टीम को दौड़ाया कि यार भीख मांगने के लिए लोग पकड़ो,
तो सबसे पहले इसको मिल गए डच डेलीगेशन हॉलैंड का, उनको लेकर के जी हमारे मुल्क में पैसे लगाएं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है ये वो। उन्होंने कहा भाई साहब अब हमारा नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो खाली एक ही इन्वेस्टमेंट करेगा आपके पाकिस्तान में, वो आपके पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना जो वहाँ रहते हैं, वो उनको वापस भेज देगा। इस तरह जो मिल गया उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ़ौरन मिल के शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएँ, चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो, इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था, उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में, और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे, तो वो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको, कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, कहीं हमारे साथ खड़ा होगा तो भीख मांगना शुरू कर देगा। और मोदी जी फ्रंट लाइन में जॉर्डन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, नोटिस करने वाली होती हैं। यहाँ मर रही है 42% हमारी इन्फ्लेशन महंगाई है और ये क्या है, और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है, बंदे खोते हैं तो फिर रहते मिशन की थोड़ी पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता, सिर्फ लाहौर इस्लाम और कराची में जो रूलिंग एलीट है ब्रिटिश एजेंट है सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर, मिशन किस चीज का होना फिर, आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते हैं तो आ जाती है, तो होते थोड़े तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है, आपके तो पोल्यूशन तो आपके है ही को नहीं भी, ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो, कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही, हाँ इटा के पठिया ना बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बहरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान, और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों का है पाकिस्तान की, क्या फॉरन पॉलिसी कि हम किस चीज के हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन हैं। लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब लोग सही कह रहे हैं कि क्यों थे वहां पे, को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे, हाँ ये है कि आपका बल्कि आपने कोविड को इस काप से क्या लेना था, आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना धोना किया था इसी एनवायरमेंट का, लेकिन एनवायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्किंग है, उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया, आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया जिसमें UAE ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, UK ने 60 मिलियन किया है, मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है, यूक्रेन की जंग के लिए 50 बिलियन, आई एम सॉरी आई मिस्टेक, 50 बिलियन फॉर यूक्रेन वॉर, लेकिन एनवायरमेंट जिसके ऊपर मेरा जो बाइडन और जॉन कैरी जो है उनकी टोटल आधा पार्टी का उनका मैंडेट ही एनवायरमेंट है, यहाँ पे या जितने डेमोक्रेट गवर्नर हैं उन्होंने ऑलमोस्ट कई स्टेटों में, मैं जिस स्टेट में बैठा हूं वो कहते हैं यहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 2030 के बाद आएगी नहीं। तो दोस्तों यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खासियत जिसकी अच्छाई पूरी दुनिया कर रही, भारत के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आया है जिसने अमेरिका से लेके इटली तक, इटली से लेके चाइना तक, पाकिस्तान तक चारों तरफ हंगामा मचा रखा, और हंगामा वो भी पॉजिटिव सेंस में, आप लोग समझ सकते हैं ना, चाइना पाकिस्तान मोदी जी से डर रहे हैं, फ्रेंडली कंट्री मोदी मोदी कर रहे हैं। तो यही है यार दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना देश के लिए फिलहाल देश की इंटरनेशनल छवि सुधारने के लिए काम किया है, मेरे ख्याल से किसी और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा काम नहीं किया। और बाकी रही बात मोदी मेलोनी की, तो आप लोगों ने G20 में भी देखा होगा उन दोनों की जो भी फ्रेंडशिप वाली बातचीत हुई हो, और मतलब यार ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मोदी जी जिससे भी बात करते हैं उसके ही दोस्त लगने लगते हैं, अभी पुतिन से जब बात करें देखना आप उनके दोस्त लगेंगे, ऐसा लगेगा तो बचपन के दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जो बाइडन हो गए, ऐसा लगता है जैसे आज नहीं पहली बार नहीं मिल रहे। अभी मैं देख रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कई पोस्ट डली हुई है, ऐसा लग रहा है जिनसे मिलने ऐसा लग रहा है जैसे पुराने दोस्तों को ही बहुत पहले से ही जानते हो, यहाँ कई PM पहली बार मिले, लेकिन यार अजीब, मतलब मैं तो समझ नहीं पाता इतने घुल मिल के ऐसे जाते हैं। खैर यही तो उनकी खासियत है, 73 साल के हो गए लेकिन आप लोग को लगते हैं उनका एनर्जी देखो आप लोग भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट 25-26 साल का लड़का समा जाए उनके सामने,
ठीक है, मतलब यार सही है यार ये, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवनेस 73 की एज में, आप लोग समझो ना, तो भाई काम तो कर रहे हैं। मैं देखो दोस्तों, मैं पूरी बीजेपी पार्टी का नहीं कहता, लेकिन यार ये बात मानना पड़ेगा, जो भी है हेटर्स भी होते हैं, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना फिलहाल 10 सालों में देश के लिए कर दिया ना, जब से हम आजाद हुए तब से किसी ने इतना नहीं करा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, आप लोगों की अलग भी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।